मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को डीआरडीएल हैदराबाद के साथ गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP जो 1983 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ। सतह से सतह और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के विकास पर केंद्रित था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी कहती हैं। इसके लिए विभिन्न शोध संस्थानों के साथ नेटवर्किंग कर स्वदेशी तकनीकों का विकास किया गया। ये भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद में भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया। हमारे नेताओं की दूरदर्शिता और DRDO में वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत आज भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी के सभी उन्नत क्षेत्रों में एक जाना माना देश है। India's missile development program commenced in the late 1950s as we realized the importance of guided missiles in safeguarding our citizens and establishments from external threats. This missile park hai jo ki Kolkata mein sthit hai. Navigation of missiles and materials for their construction. Thus, anti-tank missile systems, rockets and medium-range surface-to-surface missiles were developed with DRDL Hyderabad as the hub of activities. The integrated